सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये दो न्यू बेबी पिजन्स आए हैं, ये देख लें। कबूतरों के दो छोटे से चिक्स हैं, छोटे से बच्चे हैं, ये दोनों निकले हैं आज। इनका एक का तो दूसरा दिन है और पीछे जो है उसका पहला दिन है। और ये जोड़ा है फ्रेंड्स, ये पेयर है, आप देख सकती हैं। तो जोड़ों के हवाले से फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ चंद मालूमात देना चाहूँगा जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और जो है आप भी ब्रीडिंग से ही ले सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने कुछ यूँ करना है कि इनको सुबह और शाम दो टाइम पेयर्स को दाना देने, और इसके साथ साथ जो है पेयर्स को सुबह शाम दो टाइम इनको दाना देने जिसके बच्चे निकल आएँ। और ऐसे भी जो आपने पेयर्स वगैरह लगाए हों उनको दो टाइम ही आपने दाना देने। और सबसे अहम मालूमात फ्रेंड्स, इनको आपने मिक्स दाना देने, और इसके साथ साथ आपने इनके लिए कोई मिट्टी वगैरह जो बनाती हैं वो रखनी है, और स्टमक पाउडर और कैल्शियम पाउडर आपने इनके लिए ज़रूर रखने ताकि जो है ये ब्रीडिंग वगैरह में इनको कोई मुश्किल ना हो और ये आसानी से ब्रीडिंग वगैरह जो है आराम से कर सकें। तो ये फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको लोग इग्नोर करते हैं और इस पे अमल नहीं करते। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपने इनकी डिवर्मिंग, सबसे पहले इनकी वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, इनको रानीखेत की वैक्सीन किया करें हर ढाई तीन माह बाद, और इसके साथ साथ इनकी डिवर्मिंग किया करें। और इसके साथ साथ जो बहुत ही अहम मालूमात है कि इनकी खुराक वगैरह का ध्यान रखा करें ताकि आपको ये मसला ना हो। और अगर आप लंबे अरसे तक फ्रेंड्स ब्रीडिंग इनसे ब्रीड लेना चाहती हैं तो इनको जो है आप कम से कम तीन महीने बाद या चार महीने बाद एक महीने का नर और मादियों को अलग कर दिया करें, और फिर इनकी जो है डिवर्मिंग करके इनको दोबारा पेयर्स में लगाएं तो इंशाल्लाह ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और इनको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो बहुत टाइम बाद फ्रेंड, मैंने तो इनके जोड़े तोड़े हुए थे, अभी लगाए हैं तो ये रिज़ल्ट आया है, ये आप लोग देख सकती हैं। ये तो अभी एक जोड़े का है, तो एक मादी जो है अंडे नहीं उतार रही थी, उसका भी मैंने इलाज बताया, वो भी आप लोग जाके देख लें। वो भी जैसे अंडे उतारेगी, ये मादी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये भी जैसे अंडे उतारेगी तो मैं आपको इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और फ्रेंड्स, इनका जो है यही बस एहतियात है, और ये एहतियात इनकी करें आप लोग, और इंशाल्लाह इससे आप लोग फ़ायदा उठाएँ। और साथ साथ में पेयर्स के हवाले से और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू अपडेट आप लोगों को मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।